Hello children, in this video you will get to know what is web browser, how web browser works and what are the features of web browser. Web browser kya hota hai? Web browser also referred to as an internet browser or simply a browser is an application software for accessing the world wide web. Web browser क्या है? एक application software है, okay? एक software है जिसको आप अपने system पे install करते हो, अपने computer पे, अपने laptop पे install करते हो, in order to access the world wide web. World wide web को access करने के लिए जो information internet पे available है, जो websites, web documents internet पे available है, उसको access करने के लिए, okay? उसको अपने system पे display कराने के लिए, okay? वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है या फिर लोकल वेबसाइट्स को भी एक्सेस करने के लिए ब्राउजर्स का यूज होता है. ओके, व्हेन अ यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट द वेब ब्राउजर रिट्रीव्स द नेसेसरी कंटेंट फ्रॉम द वेब सर्वर एंड देन डिस्प्लेस द पेज ऑन द यूजर्स डिवाइस. तो वेब ब्राउजर का क्या फंक्शन होता है? वेब ब्राउजर कहाँ पे होता है इंस्टॉल? यूजर के कंप्यूटर पे. यूजर क्या करता है? जो भी वेब डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी रिक्वेस्ट सेंड करता है, और ये रिक्वेस्ट किसके थ्रू सेंड होती है? ये वेब ब्राउजर प्रोग्राम के थ्रू सेंड होती है. राइट, आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाती है? सर्वर कंप्यूटर के पास जाती है, और सर्वर कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम इंस्टॉल होता है वो कौन सा प्रोग्राम होता है? वेब सर्वर. वेब सर्वर प्रोग्राम वेब ब्राउजर की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको डेटा सेंड कर देता है, वेब पेजेस सेंड कर देता है. और वेब पेजेस आपके स्क्रीन पे कौन डिस्प्ले कराता है? आपका वेब ब्राउजर डिस्प्ले कराता है. फाइन, वेब ब्राउजर्स आर यूज्ड ऑन अ रेंज ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स एंड स्मार्ट फोन्स. ओके, तो वेब ब्राउजर को हम बहुत सारे डिवाइसेस में इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप हो, लैपटॉप्स हो, टैबलेट्स में आप यूज कर सकते हो, स्मार्टफोन्स में आप वेब ब्राउजर का यूज कर सकते हो. फाइन, सम एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर्स आर इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, फायरफॉक्स. तो ये कुछ एग्जाम्पल है वेब ब्राउजर्स के. ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा, फायरफॉक्स. तो बेसिकली वेब ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हो इन ऑर्डर टू यूज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट. राइट, और आप इसको इसकी हेल्प से क्या करते हो? आप इसकी हेल्प से वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करते हो, वेबसाइट्स को एक्सेस करते हो, वेब डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करते हो. एक्सेस करते हो मतलब आप के पास वो अवेलेबल होती है, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है. फाइन, आप छोटा सा एग्जांपल लो. क्या आप आपके सिस्टम पे अगर पेंट ब्रश है, तो क्या पेंट ब्रश की हेल्प से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो? या आपकी सिस्टम पे कोई दूसरा सॉफ्टवेयर है, लाइक वर्ड है, वर्ड की हेल्प से क्या आप उसको एक्सेस कर सकते हो? नो. आपको अगर इंटरनेट को यूज करना है, ओके, इंटरनेट की सर्विस को यूज करना है, तो आपको उसको यूज करने के लिए क्या करना है? वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है अपने सिस्टम पे. फाइन, नाउ हाउ डज द ब्राउजर वर्क? एक ब्राउजर काम कैसे करता है? द ब्राउजर एक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ द क्लाइंट सर्वर मॉडल. ये क्लाइंट सर्वर मॉडल का ही पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे क्लाइंट आपका कंप्यूटर है और सर्वर से आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास वेब पेजेस आ रहे हैं. फाइन, ओके, अब ब्राउजर इज अ क्लाइंट प्रोग्राम. ब्राउजर क्या है? क्लाइंट प्रोग्राम है, क्योंकि क्लाइंट कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है एज इट रन्स ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस एंड कॉन्टेक्ट द वेब सर्वर फॉर द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड बाय द यूजर. तो ये क्या है? क्लाइंट प्रोग्राम है. ये क्या करता है? सर्वर कंप्यूटर से कॉन्टेक्ट करता है और उसे रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है, पर्टिकुलर वेब पेज की. Right, on behalf of the users, the browser sends requests to the web servers all over the internet by using the hypertext transfer protocol. और ये request कौन से protocol की help से send करता है? Hypertext transfer protocol की help से ये request send करता है. Okay? When the server receives the request, it collects information about the requested document and forwards the information back to the browser. Okay? ब्राउजर क्या करता है? सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है. ओके, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करता है. ओके, एंड अकॉर्डिंगली जो भी रिक्वेस्ट आई होती है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता है? रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है? कलेक्ट करके अगेन वो क्या करता है? सर्वर, सॉरी, ब्राउजर के पास सेंड कर देता है.
वेब ब्राउजर ने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड की। सर्वर का जो प्रोग्राम होता है वेब सर्वर, वो अकॉर्डिंगली उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करता है, वेबसाइट वेब पेजेस को कलेक्ट करता है एंड देन उसको वेब ब्राउजर के पास सेंड कर देता है। देयर आफ्टर द ब्राउजर डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन द यूजर डिवाइस, और वेब ब्राउजर उस पर्टिकुलर वेब डॉक्यूमेंट को रिसीव करता है और यूजर की डिवाइस पर उसको डिस्प्ले करा देता है। फाइन, सो दिस इज द वे हाउ योर वेब ब्राउजर वर्क। वेब ब्राउजर वर्क्स एज अ क्लाइंट, आपका जो वेब ब्राउजर होता है वो क्लाइंट की तरह वर्क करता है और आपका सर्वर सर्वर की तरह वर्क करता है, राइट? तो इट्स डिपेंड ऑन द क्लाइंट सर्वर, इट इज अ पार्ट ऑफ द क्लाइंट सर्वर मॉडल। फाइन, नाउ वी हैव फीचर्स ऑफ वेब ब्राउजर्स। ओके, मोस्ट वेब ब्राउजर्स ऑफर कॉमन फीचर्स सच एज, जो मोस्टली वेब ब्राउजर्स होते हैं उसमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। उनमें से कुछ फीचर्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। बैक, दिस टेक्स यू वन स्टेप बैक इन योर हिस्ट्री टू द पेज यू वर ऑन बिफोर द करेंट पेज। जब आप बैक बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, आप पीछे चले जाते हो, वन स्टेप पीछे चले जाते हो, इससे पहले जो जहां पे थे आप वहां पे चले जाते हो। जब आप बैक बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो। फाइन, देन फॉरवर्ड, इट अलाउज यू, बैक बटन पे क्लिक करते हो तो आप कहाँ जाते हो, वन स्टेप पीछे चले जाते हो। देन यू हैव द फॉरवर्ड बटन और फॉरवर्ड एरो, इट अलाउज यू टू मूव फॉरवर्ड थ्रू योर हिस्ट्री टू वेयर यू वर बिफोर यू यूज द बैक बटन। अगर आप बैक जा चुके हो, राइट, तो आपको फिर से पहले पेज पे जाना है तो आप फॉरवर्ड एरो का यूज कर सकते हो। फाइन, ओके, नॉट बटन, दीज आर द एरोज। ओके, तो बैक एरो और फॉरवर्ड एरो का, बैक एरो का कहाँ यूज होता है, पीछे जाने के लिए, और फॉरवर्ड का कहाँ पे यूज होता है, आगे जाने के लिए, राइट? फॉरवर्ड का होता है आगे जाने के लिए। देन यू हैव द रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश बटन अलाउज द वेबसाइट टू रीलोड द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट ढंग से क्या होती है, लोड नहीं हुई है, तो आप क्या कर सकते हो, उसपे रिफ्रेश बटन को आप यूज कर सकते हो, जिससे क्या होता है वो रिफ्रेश होके क्या होती है, रीलोड हो जाती है। समझ आया? सबसे पहले बैक, अगर आपको पीछे जाना है तो आप बैक एरो का यूज करोगे, आपको आगे जाना है तो आप फॉरवर्ड एरो का यूज करोगे। आपको अपने वेब पेज को रिफ्रेश करना है तो आप रिफ्रेश जो आपका आइकन दिया हुआ है उसका यूज करोगे। फाइन, ओके, नेक्स्ट यू हैव द एड्रेस बार, इट अलाउज द यूजर टू एंटर अ वेब एड्रेस इन द एड्रेस बार एंड विजिट द वेबसाइट। अगर आपको एक पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करना होता है तो आप क्या करते हो, उसका वेब एड्रेस एड्रेस बार पे टाइप करते हो। और जैसे ही आप वेब एड्रेस एड्रेस बार में टाइप करके एंटर प्रेस करते हो, तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर वेबसाइट डिस्प्ले हो जाती है। देन यू हैव टैब्ड ब्राउजिंग। टैब्ड ब्राउजिंग फीचर्स का क्या मीनिंग है, इट प्रोवाइड यूजर्स द ऑप्शन टू ओपन मल्टीपल वेबसाइट ऑन अ सिंगल विंडो। टैब्ड ब्राउजिंग की हेल्प से आप एक ही विंडो पे बहुत सारी वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हो। फाइन, इट हेल्प्स यूजर टू रीड डिफरेंट वेबसाइट एट द सेम टाइम। आप इसे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैब्स ओपन हो गए हैं तो आप किसी भी टैब पे क्लिक करके कोई भी टैब ओपन करके देख सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वेन यू सर्च फॉर एनीथिंग ऑन द ब्राउजर, इट प्रोवाइड्स यू अ लिस्ट ऑफ सर्च रिजल्ट फॉर योर क्वेरी। जब हम कोई भी चीज क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो क्या होता है, पूरी हमारे पास लिस्ट आ जाती है, लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स आ जाती है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आप क्या कर दोगे, ओपन इन न्यू टैब। तो क्या होगा, आपका एक पर्टिकुलर टैब्स ओपन होते जाएंगे, जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उनके टैब्स ओपन होते जाएंगे। आप किसी भी पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करो और उसका उस वेब वो क्या होगा, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। यू कैन ओपन ऑल द रिजल्ट्स बाय राइट क्लिकिंग ऑन ईच लिंक स्टेइंग ऑन द सेम पेज। मतलब सेम पेज है, जिस पे जैसे मैंने फर्स्ट टैब पे क्लिक किया तो फर्स्ट टैब की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, सेकंड टैब पे क्लिक किया तो सेकंड टैब की, थर्ड टैब पे क्लिक किया तो थर्ड टैब की, तो सेम स्क्रीन पे आपकी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स क्या होंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। तो इसे क्या बोलते हैं, टैब्ड ब्राउजिंग। फाइन, देन वी हैव द बुकमार्क फीचर्स, इट अलाउज द यूजर टू सिलेक्ट पर्टिकुलर वेबसाइट टू सेव इट फॉर द लेटर रिट्रेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब हमें कोई वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम उसको बाद में भी यूज करें, तो हम क्या करते हैं, उसको बुकमार्क कर देते हैं, उस पर क्लिक करके बुकमार्क पे क्लिक करके हम उस पर्टिकुलर वेबसाइट को बुकमार्क कर देते हैं। डेट मीन्स इट कैन बी वी कैन यूज डेट वेबसाइट लेटर ऑन।
ओके आप उसकी पर्टिकुलर वो ही क्या होता है वेबसाइट के यूआरएल सेव हो जाते हैं, उनके एड्रेस सेव हो जाते हैं, जिनको आप जब भी चाहो क्लिक करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो. फाइन. नेक्स्ट यू हैव द स्टॉप स्टॉप बटन. इट इज यूज्ड टू कैंसिल द कम्युनिकेशन ऑफ द वेब ब्राउजर विद द सर्वर एंड स्टॉप लोडिंग द पेज कंटेंट. मान लो आपने बाय मिस्टेक कोई ऐसी वेबसाइट ओपन कर दी जो आप नहीं करना चाहते हो, तो आप तुरंत क्या करोगे, स्टॉप बटन पे क्लिक कर दोगे. इससे क्या होगा, आपका कनेक्शन वेब सर्वर के साथ टूट जाएगा और वो वेबसाइट लोड नहीं होगी. फाइन. फॉर एग्जाम्पल इफ एनी मेलिशियस साइट एंटर्स द ब्राउजर एक्सीडेंटली, मान लो कोई मेलिशियस साइट आ गई आपके ब्राउजर में, तो आप क्या करोगे, इट हैव्स टू सेव फ्रॉम इट बाय क्लिकिंग ऑन द स्टॉप बटन. और आपने तभी स्टॉप बटन पे क्लिक कर दिया तो वो आप वेबसाइट डिस्प्ले नहीं करेगी. फाइन. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स. टिल देन कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज.